बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, बीबीए फर्स्ट 2017 में बिजनेस मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन आया था। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रामर्स रूल। द क्वेश्चन वाज 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 80 and second equation was 2x2 plus 2x1 is equal to also 80। तो इसको सॉल्व करना था क्रामर्स रूल के ज़रिए। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम क्रामर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये कि ये जितनी भी ये वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज हैं, इनके कोफिशेंट्स को लेते हैं। यहाँ पे 3x1 का कोफिशेंट 3 है तो 3 ले लेंगे, यहाँ पे x2 का कोफिशेंट 2 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, x1 का यहाँ पे कोफिशेंट दूसरी इक्वेजन में 2 है तो इधर लिख लेंगे, x2 का कोफिशेंट यहाँ पे 4 है तो इसको यहाँ लिख लेंगे। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला वेरिएबल इन इक्वेशंस में हमारे पास x1 है, उसको ऊपर ले लेंगे, दूसरा वेरिएबल x2 है उसको नीचे ले आएंगे। ये दूसरी मैट्रिक्स साथ बन गई। इसी तरह इज इक्वल टू में जो वैल्यूज़ हैं 80 और 80 एक ये मैट्रिक्स बन जाती है। इसके बाद हम इन मैट्रिसेस को कोई नेम दे देते हैं किसी कैपिटल अल्फाबेट का। लेट सपोज के ये ए मैट्रिक्स है और ये एक्स कैपिटल एक्स, ये स्मॉल x1 x2 है, ये कैपिटल एक्स होना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल से लोअर केस में हम उसे डिनोट नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स को भी हम कोई कैपिटल बी का लेट सपोज नेम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम ये जो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेकर देखते हैं। डिटर्मिनेंट हमें ये बताता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर होगी तो तभी हम फर्दर इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये कि इस ए के ऊपर हम डिटर्मिनेंट के साइन डाल दें और ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी डिटर्मिनेंट के इस तरह साइन डाल के फिर इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कि 4 को हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी लाइक दैट माइनस, एंड देन जो ये वैल्यूज़ हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2। तो ये बनेगा 3 × 4 = 12 माइनस 2 × 2 = 4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा 8। इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फर्दर हम ये करेंगे कि ax1 फाइंड करेंगे। ax1 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और जो इसका दूसरा कॉलम है वो वैसे ही रह जाता है, ठीक है। इसको अब हम उसी तरह डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं। हम 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0 = 4 × 8 = 32 = 320 इट विल बी माइनस, देन 80 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 160। और अब 320 से 160 को अगर माइनस करें तो 0 − 0 = 0 एंड 12 − 6 = 6 लेफ्ट एंड 2 − 1 = 1 = 160 होगा। इसी तरह हम ax2 फाइंड करेंगे। ax2 फाइंड करने का तरीका ये कि सेकंड कॉलम की जगह हम ये b मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा। अब इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 3 = 24 = 240 होगा माइनस, और फिर 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 होगा। अब 240 से जब हम 160 को माइनस करेंगे तो 0 − 0 = 0 and 14 − 6 = 8 एंड यहाँ पे 1 रह गया था, 1 में से 1 तो ये 80 बाकी बचेगा ax2।
अब इसके बाद जब हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये होता है कि हम ए एक्स वन को डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट से। अब ए एक्स वन जो है, ए एक्स वन हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, दैट इज 160 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 20। एक्स वन की वैल्यू आ गई 20। इसी तरह एक्स टू की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स टू को हम एक डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा इसका फार्मूला। अब ए एक्स टू हमने यहाँ पे फाइंड किया था 80 और ए का डिटर्मिनेंट 8 था, तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 10। ठीक है, ये तो फर्स्ट पोर्शन था। इसके बाद जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन पे भी क्रैमर रूल को हमने अप्लाई करना है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह, सबसे पहले हम ये करेंगे कि राइटिंग अबव मैट्रिसेस इन अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे? एक्स वन का कोफिशियंट लेंगे 1 है, एक्स टू का कोफिशियंट यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे एक्स वन का कोफिशियंट 2 है, यहाँ पे एक्स टू का कोफिशियंट 4 है। ये एक मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, इज इक्वल टू ये जो साइड है -85 और 40, ये एक अदर मैट्रिक्स बनेगा। हम लेट करते हैं कि उसी तरह के ये एक ए मैट्रिक्स है, लेट करते हैं कि ये ए है -5, 2 and 4। ठीक है, और ये इसको हम कहते हैं कि ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है और इसको हम कहते हैं कि ये बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम लेंगे, इसी तरह डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4, एंड देन -2 × -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 − 10 = 14। डिटर्मिनेंट आ जाएगा इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका फर्दर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम ए एक्स वन फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएंगे -85, 40, और जो सेकेंड इसका कॉलम है वो वैसे ही आएगा -5 और 4। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो 4 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, 0 = 2 एंड 4 × 8 = 32 और 34 इट विल बी -40। अब 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को -5 से तो हमारे पास आएगा -200, तो -340 − +200। तो -340 से 200 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी 0 − 0 and 4 − 0 = 4 and −3 + 2 − 1 = 140। अच्छा, अब हमारे पास ए एक्स वन की आ गई, ए एक्स टू की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम ये वाली वैल्यू बी मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देंगे और फर्स्ट कॉलम उसी तरह रहेगा 1 और 2। हम सबसे पहले 40 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 होगा, और -2 को 85 से करेंगे तो ये माइनस का होगा, 2 × 5 = 10, 0 = 1 लेफ्ट, 2 × 8 = 16 और 170 170 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 − −+170 170 और 40 को अगर हम ऐड करें तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 0 11 210। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स वन की वैल्यू क्या आने वाली है। ए एक्स वन डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इसका फार्मूला होता है। ए एक्स वन जो है अभी हमने -140 फाइंड किया और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने 14 फाइंड किया, तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज -10। इसी तरह अगर हमने एक्स टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ए एक्स टू ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो ए एक्स टू हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 210 डिवाइडेड बाय
14 इज डिटर्मिनेंट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 7 2 7 14 एंड 7 3 21 एंड 300. अच्छा तो ये आएगा 15, 2 के साथ 30 भी कट जाएगा तो 15 आएगा. तो ये हमारे पास x1 और x2 जिन वेरिएबल्स की हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी वो आ गई. क्रेमर्स रूल के जरिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पैटर्न है. तो तब तक आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.